बीदर के गादगी ग्राम पंचायत के रहने वाले निवासी सैयद मुबशीर इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद अपने गांव गादगी पहुंचे। गांव वालों ने रिटायर्ड आर्मी मैन सैयद मुबशीर का भव्य स्वागत किया और एक जुलूस निकालकर इनको गांव लाया गया। इस अवसर पर सैयद मुबशीर ने बताया कि इन्होंने देश की बहुत सेवा की है और अब वो अपने गाँव की सेवा करेंगे और गादगी ग्राम के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इस अवसर पर गादगी ग्राम पंचायत के सदस्य मोहम्मद सिराज और दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद मुबशीर, सरनाम सैयद जाफर, मेरा वालिद साहब हेड कांस्टेबल पुलिस में थे। हमने 22 वर्ष में भर्ती होकर चला गया, 38 ईयर्स की उम्र, कई लोग 15 साल में आते हैं। हमने प्रमोशन लेते लेते एक ऑफिसर ग्रेड में जाने के बाद हमें 38 ईयर्स कम्प्लीट किया। मेरी उम्र 60 साल हो गई सर, कम्प्लीट 60 साल मेरी उम्र हो गई। 31 अक्टूबर को मेरा रिटायरमेंट हो गया। आने के बाद गाँव वालों ने, पंचायत वालों ने और जितने मस्जिद कमेटी के मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने मेरा अच्छा सा स्वागत किया और ऐसे रहना है, हमको मिलजुल के रहना है, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हम गाँव की सेवा, इंडिया की सेवा तो पूरा करा, अभी लास्ट में जो मेरा दिन बचा है हमारे गाँव की सेवा करना मेरा एक ही टारगेट है सर। और अमीलापुर विलेज, अमीलापुर पोस्ट गादगी, हाँ बीदर डिस्ट्रिक्ट बीदर। 18 साल की 21 ईयर्स की उम्र में मैं चला गया, 21 ईयर्स की उम्र में मैं गांव छोड़ के भर्ती हो गया, ट्रेनिंग करा, उसके बाद 38 ईयर्स कंप्लीट मेरी सर्विस, आउटस्टैंडिंग सर्विस, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसा जो इंडिया नहीं है जो मैंने देखा। हर जगह मैं ड्यूटी करा हूँ हर जगह। अब मेरा एक ही लास्ट पॉइंट एक ही है कि मेरे नौजवान जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग फ्री सेवा करने का मेरा एक ही इरादा, लास्ट मेरा टारगेट एक ही है। जितने भी लड़के हैं वो मेरे साथ आएंगे, 20-25 लड़के, कम से कम मेरी आरजू है मेरे मरने तक कम से कम 50 आदमी मेरे गांव के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भर्ती करना है। मेरा एक ही टारगेट है, फ्री सेवा और कोई लालच नहीं। ठीक है सर।